वीडियोस को फॉरगेट भूलना नहीं है आज के डेट में. दिस इज अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी. जहां पे भी आपको लगता है कि अंदर का एनवायरनमेंट सेल्स पिच है राइट, तो वहां पे वीडियोस एंड लाइव वीडियोस ये जरूर सोचना चाहिए राइट. जैसे मैंने बोला वो जिम के लिए एप्स के लिए, तो मैं जब उसको मार्केटिंग कर रहा हूँ तो जब मैं जिम जाता हूँ मेरे को बहुत मजा आया. मैं बोला यार ये एनवायरनमेंट जब तक एक यूजर नहीं आएगा तब तक ये दिस एनवायरनमेंट विल अट्रैक्ट द कस्टमर. तो जब तक ये इस चीज़ को बाहर नहीं लेकर के जाएंगे तब तक नहीं मजा आएगा. तो बोले तुम बहुत सारे वीडियोज करोगी, तो इमेज बन कराया वो वीडियोज एंड वो प्लेटफॉर्म है काफी सारा. फिर लाइव वाइव भी मतलब नहीं, लाइव का अलर्ट तो जाता ही है बट वो अंदर का एनवायरनमेंट बाहर जाने. तो इसलिए जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म सर ट्विटर पर भी हम लोग लाइव जा सकते हैं और उसके अंदर भी हम लोग अलग अलग स्टोरी बना सकते हैं. तो सब टीजी के लिए सोचो और हर टीजी के हिसाब से उनके लिए कंटेंट ऑर्गेनिक एज वेल एज. अभी हम लोग तो ये बात की कि वीडियोस होने चाहिए बट वो वीडियो का थीम क्या होना चाहिए, वो वीडियो में क्या होना चाहिए. लाइव वीडियोस है तो क्या हर दिन वो सेम वीडियो दिखाते रहे तो मजा नहीं आएगा ना. राइट, चिल्ला तो थिंक कि कौन सा किस चीज को लाइव करनी है, कौन सा वीडियो कैप्चर करना है राइट. तो वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे सेगमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा. लेट्स से मुझे अगर मैं पेरेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ फॉर देयर किड्स, तो मुझे वो किड्स वाली मस्ती दिखानी पड़ेगी ना वहाँ पे राइट. सो माय कंटेंट शुड बी देन किड्स वाली मस्ती वहाँ से रियल टाइम में निकालता हूँ या फिर उसको वीडियो भी क्रिएट कर रहा हूँ. तो हर एक टीजी के हिसाब से अलग अलग कॉन्टेंट मेरा क्रिएट होगा राइट. सो जितने भी टीजी में था हर एक सेगमेंट, सॉरी फॉर एवरी सेगमेंट वी हैव टू थिंक ऑफ कॉन्टेंट और उसका एंगेजमेंट राइट. तो ये अभी हमारे पास कंटेंट रेडी हो गया. ये इसी को हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगह जहाँ पे एग्रेसिवली नहीं देख रहे वहाँ पे हम लोग उसको सिस्टम के थ्रू बल फूड सूट या कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बीइंग देयर. बाकी जहाँ पे एग्रेसिव रहना वहाँ पे एग्रेसिव रहना पड़ेगा. हाउएवर जब आप ये अभी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाने के लिए एक ही चीज है हैशटैग एंड टैग, ये दो चीज है राइट. So then in that case hashtag you'll have to decide Facebook के लिए कौन सा hashtag रखेगा और Twitter के लिए कौन सा hashtag चलेगा. दोनों अलग अलग होंगे right. अच्छा हम लोग hashtag use करके tweet कर रहे थे right. So trending hashtag तो ठीक है बट वो trending hashtag relevant है कि नहीं पहले वो तो देखेंगे right. और उसके साथ अपना कुछ hashtag बनाएंगे क्या, हम लोग अपना hashtag बनाएंगे. अपना hashtag तो जरूर बनाएंगे because that should give us an identity. हमारे ब्रांड जैसा हम लोग एज अ ब्रांड हाउ डू वी वांट टू प्रोजेक्ट गिव देयर सम स्टेटमेंट दैट वी वांट टू कन्वे दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट. सब लोग अपना हैशटैग तो उसमें बनाएंगे बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया लिंक्डइन पे हैशटैग्स के लिए डिफरेंट स्टोरी बिकॉज हम लोग यहाँ पे और बाकी सब जगह एंटरटेनमेंट पे जा रहे हैं राइट. जेनरिक हैशटैग्स हो सकते हैं, पुणे हो सकता है, वेदर हो सकता है, रेनी सीजन हो सकता है राइट, फन एंड लोनावला हो सकता है राइट, ऑन द वे टू लोनावला हो सकता है हैशटैग, ये सब हो सकता है उसके लिए राइट. बट लिंक्डइन पे ऐसा नहीं होगा राइट. तो लिंक्डइन पे स्ट्रेस एक हैशटैग हो सकता है, रिजुविनेशन एक हैशटैग हो सकता है. अगर इस तरह यू हैव टू फर्स्ट रिसर्च की वैसे हैशटैग है कि नहीं लिंक्डइन पे राइट, बिकॉज हम लोग उसी थीम में घुस रहे हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे देन योर कॉन्टेंट शुड बी उस तरीके से आप लिख सकते हो वहाँ पे. और लिंक्डइन पे हैशटैग्स काम करते हैं. फेसबुक पे उतना काम नहीं करेगा बिकॉज हम लोग उतना ज्यादा हैशटैग पे क्लिक नहीं करते. ट्विटर पे इट वर्क्स बिकॉज इनहेरेंटली वो ट्विटर से ही स्टार्ट हुआ है राइट. बट देन लिंक्डइन पे हैशटैग्स काम करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक रीच आएगी लिंक्डइन पे हैशटैग्स. सो यू हैव टू सर्च फॉर रेलेवेंट हैशटैग्स विद इन लिंक्डइन. यहाँ पे नहीं, इस केस में तो करेंगे ही करेंगे बट अदरवाइज ऑल्सो अगर हम लोग कहीं कर रहे होंगे तो वहाँ पे वो हैशटैग. सो लेट्स से उसके लिए बात कर रहे थे अभी कॉर्पोरेट के लिए बात कर रहे थे ना, तो वहां पे क्या हैशटैग हो सकता है. लेट्स से इफ यू आर टारगेटिंग लिंक्डइन फॉर कॉर्पोरेट आउटिंग्स टूर्स एंड देन आल्सो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक हो सकता है राइट. और सर्च करके देखेंगे तो और क्या क्या हो सकता है हैशटैग. तो एचआर से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स. कौन टारगेट ऑडियंस कौन रखा रहेगा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए? HR का relevant hashtag कौन कौन सा है, ऐसे कौन कौन से hashtag से जिसमें वो HR interested होगा और उनमें से कौन से hashtags हम लोग अपने team में mix कर सकते हैं right? तो वैसा करके हम लोग LinkedIn पे भी वहाँ पे use कर सकते हैं.
अच्छा हैशटैग टैग ये दो चीज किया आपने, और कैसे कर सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक रीच जो कॉन्टेस्ट रन करते हैं। बट कॉन्टेस्ट जब रन करेंगे तो कॉन्टेस्ट हम लोग सोचना चाहिए कि कॉन्टेस्ट के अंदर में क्या होना चाहिए, एज इन कॉन्टेस्ट एंड ऑफ द डे उसमें क्या हम किसको बोले तुम पार्टिसिपेट करो और तुमको कुछ देंगे इज दी गाजर बेट है ना, और उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोल रहे राइट। तो वो बेट क्या होगा इस पर डिपेंड करेगा पीपल विल पार्टिसिपेट और नॉट। तो जब ये ऐसा बेट हम लोग यूज कर रहे होंगे तो उसमें से एक गाजर जो मैं दे रहा हूँ उस गाजर को दो तरीके से लोग देखते हैं, उसकी एक्चुअल वैल्यू और परसीव वैल्यू, आप उससे क्या एफर्ट करवा रहे हो और उसके बदले में उसको क्या वैल्यू दे रहे हो। ना वो वैल्यू को दो तरीके से एक्चुअल वैल्यू एंड परसीव वैल्यू, एज इन आई गिव यू 10,000 रुपीज हेल्थ चेकअप, 10,000 रुपीज का वर्थ हेल्थ चेकअप फ्री, बट प्रोवाइडेड यहाँ से आपको अगले दो सिग्नल तक दौड़ के आना है। आएंगे दौड़ के शायद कोई नहीं आएगा, बट मैं बोलता हूँ कि मैं 2,000 रुपए का डोमिनोज का या लेट्स से पिज्जा हट का या कोई मूवी का टिकट देता हूँ, शायद ट्राई कर सकते हैं राइट। उतना ट्राई तो कर सकते हैं राइट। सो यहाँ पहले केस में क्या था, एक्चुअल वैल्यू वाज मोर परसीव्ड वैल्यू वाज जीरो, इसलिए नहीं दौड़ रहे। जिसको जरूरत पड़ रहेगा उसके लिए परसीव्ड वैल्यू वहां पे हाई रहेगी राइट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका जो टीजी है उसको जो आप गाजर दे रहे हो वो गाजर का एक्चुअल एंड परसीव वैल्यू में इधर बोथ ऑफ देम आर इक्वल और परसीव वैल्यू इज हायर देन एक्चुअल वैल्यू। व्हेन आई गिव यू 2000 रुपीस का डोमिनोज का वाउचर राइट विद नो कंडीशंस एज इन यू कैन ऑर्डर फॉर 2000 रुपीस, एक्चुअल एंड परसीव वैल्यू इज सेम, एक्चुअल एंड परसीव वैल्यू इज सेम। आईपीएल का टिकट लेट्स से फाइनल होता है, एक्चुअल वैल्यू इज समथिंग एंड परसीव वैल्यू इज मच हायर, या फाइनल का टिकट जुगाड़ करते हैं पीपल कैन पे बट वो मिल नहीं रहा राइट। इन दैट केस द एक्चुअल एंड परसीव वैल्यू इज मच हायर राइट। सो जब आप कॉन्टेस्ट रन कर रहे हो तो इफ यू वांट लॉट ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये बेट ये गाजर क्या होगा वन ठीक है। सेकेंड अब उसके बदले में मैं उससे क्या फ्री में देना चाह रहा हूँ उसको, नहीं उससे कुछ कराना है राइट। सो एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू मनी जब आप किसी को कुछ भी दे रहे हो राइट ठीक है। मेरा खुद ही ऑफर दे रहे दैट्स ओके, नोशनल मनी है राइट। से अगर उस नोशनल मनी के बदले में उस बंदे को सिंपल सा बोले भाई तुम कम से कम दो लोगों को तो मेरे लिए मार्केटिंग कर दे, इन रिटर्न लेट द पर्सन मार्केट यू राइट। तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट को ही आप दे रहे हो ना वहां पे, मैं किसी के पीछे 200 रुपए डाल रहा हूँ तो 200 रुपए का वर्थ मार्केटिंग को मेरे को आना चाहिए। तो ये भी देखो कि ऐसा वो बंदे मैंने उसके अंदर में क्या वो मेरे को प्रमोट करेगा क्या राइट। बट देन ये सब कंडीशन शुड बी वेरी इजी पार्टिसिपेशन के लिए भी बहुत सारा क्लॉज नहीं होना चाहिए, एज इन ये पार्टिसिपेट जैसे हो गया कि मैं बोल रहा हूँ कि घर जाओ फैमिली के साथ फोटो खींचो ऐसे स्माइल करो ये करके डालो, कोई नहीं करेगा इतना मेहनत करने के लिए। हाँ अगर ये सेम चीज़ दिवाली के दिन बोल रहा हूँ कि भाई उस दिन तुम पूरी फैमिली एक साथ खड़े होकर ग्रुप फोटो दो राइट तो चलेगा, बिकॉज चांसेस आर उस दिन उसी मोड में लोग रहेंगे। सो इफ यू आस्क देम टू डू समथिंग स्पेशल देन द क्वांटम ऑफ मनी हैज टू बी रियली बिग राइट। सो अब एफर्ट वर्सेज क्या रिटर्न दे रहे हैं, सो ऐसा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं बट इसको सोच दिमाग लाना पड़ेगा, केस स्टडीज पढ़ो देखो लोग क्या क्या ब्रांड यूज कर रहे हैं। और फेसबुक का जो अपडेट आया है उसके बाद से बहुत सारे कॉन्टेस्ट के फेसबुक के प्लेटफॉर्म सही से काम नहीं कर रहे, फेसबुक ने अपडेट किया 4-5 महीने तो उससे पहले डेटा का जो सिक्योरिटी है राइट, उसके बाद से बहुत सारे कॉन्टेस्ट काम नहीं कर रहे, कॉन्टेस्ट एप्लीकेशन खत्म हो रहे बहुत सारा काम ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं राइट। और क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक रीच के लिए, सो यू कैन आस्क पीपल टू टैग दैट सेट ग्रुप ऑफ 5 तो उसमें गेमिफिकेशन कराते हैं कुछ लोग गेम खेलते हैं विच इज इसका क्विज का आंसर दो या व्हाटएवर राइट, एंड देन फिर आते हैं और पेड पे